जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आज बहुत खुशी के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि भद्रवाह को जल्द ही डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आज ही के दिन आश्वासन दिलाया है हम सबको कि भद्रवाह को जल्द ही डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप देख सकते हो कि हमारा भद्रवाह कितना हरा भरा और ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये हमारा बस स्टैंड है नीचे, जो आप सामने कैमरे में देख रहे हो, और ये पूरा भद्रवाह शहर। नीचे आपको डिग्री कॉलेज मिलेगा, पीजी डिग्री कॉलेज है भद्रवाह हमारा, जो कि मेरे ख्याल 1954 में बना आई थिंक। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस भी है जो अभी तक फुल फ्लैज नहीं है, और इसकी भी मैं पूरी उम्मीद है कि इसको भी फुल फ्लैज किया जाएगा, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने पूरी हमें उम्मीद दी है कि जल्द ही इसको भी फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी घोषित किया जाएगा। और सबसे खुशी की बात यही है कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जल्द ही मिलेगा, और इससे ये अच्छी बात होगी कि टूरिज़्म सेक्टर बढ़ चढ़ कर बढ़ेगा और ज़्यादा डेवलपमेंट भद्रवाह में बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी के साधन खत्म हो जाएंगे और हर एक नौजवान को रोज़गार मिल जाएगा। ये एक बहुत खुशी की बात है भद्रवाह के लिए, भद्रवाह की आवाम के लिए, भद्रवाह के लोगों के लिए। ये है हमारा भद्रवाह का शहर, और ये देखने में ही इतना अच्छा लगता है कि आप जब देखोगे खुद से तभी आपको समझ आएगी कि भद्रवाह इतना अच्छा क्यों है। एक बार आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। ये पीछे आप किला नहला देख रहे हो, जो कि बहुत प्राचीन टाइम से बना हुआ है, और उस टाइम ये एक जेल हुआ करती थी, सुनने में तो यही आता है। और इस टाइम थोड़ा सा खंडर बन गया है, उतना खंडर भी नहीं है, लेकिन ये सब टूरिज़्म ना होने की वजह से है, क्योंकि बहुत समय से हमारे J&K में सरकार नहीं है और ऐसा कोई लीडर भी नहीं है जो कि भद्रवाह की और कुछ सोचे। ये हमारा भद्रवाह का ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड नीचे जो आप देख रहे थे कैमरे में, और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं दूर दूर से, भलेसा से, डोडा से, अपना भद्रवाह चिंता, बलहारा, चिराला, सब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और ये है हमारा पूरा भद्रवाह, जो कि देखते ही बनता है कितना बेहतरीन जगह है। जिस तरह लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं, उसी तरह लोग यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ये आप गर्मियों का मौसम देख रहे हो, जून जुलाई में आपको तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने के लिए। यह है हमारा भद्रवाह, जहाँ पर आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाई वैली, पदरी, गुलडंडा, ठंठेरा, नालठी, ऐसी अनेकों जगहें आपको यहाँ पर घूमने को मिलेंगी, जो कि भद्रवाह में सबसे पहले आपको एंटर करते ही फिश पॉन्ड मिलेगा, जहाँ पर आपको एक बड़ी सी झील मिलेगी जो कि बनाई गई हुई है। और देख सकते हो ये आज का मौसम है, कुछ दिन पहले का मौसम है, यहाँ पर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, लगभग 4 फुट से ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। और आज यहाँ पर लोग कितने मज़े कर रहे हैं, और कुछ लोग टूरिस्ट अभी यहाँ पर घूमने भी जा रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पर रोड खुली रहती है। ये नहीं है कि रोड आज बंद होगी तो हफ्तों के हफ्ते बंद रहेगी, वो दौर चला गया, अब डिजिटल ज़माना आ गया है, हर कोई आवाज़ उठाना शुरू कर लेता है कि रोड खुली जाए, और रोड खुल भी जाती है। तो ये था हमारा भद्रवाह का नज़ारा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये नज़ारा देखकर बहुत खुशी मिली होगी, और इस बात की भी खुशी मिली होगी कि भद्रवाह का ज़िला, अब वो दिन दूर नहीं जब ज़िला हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा बन जाएगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो घर की कितनी बुरी हालत हो गई है, बर्फ से ढक गया पूरा का पूरा, लगभग 3 छत का मकान है ये, और 1 छत इसकी छुप गई हुई है। यह है हमारा बहुत ही बेहतरीन भद्रवाह। जब विंटर्स में आप यहाँ आओगे तब आपको इसी तरह के नज़ारा देखने को मिलेगा, और गर्मी में आपको एवरग्रीन नेचर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है
आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि लोगों को भद्रवाह की अहमियत का पता चले कि भद्रवाह कितना ही फेमस है खुद में और कितना ही मशहूर है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।